खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां कोतवाली पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उमेश कुमार पटेल ने 8 नवंबर को कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 28 अप्रैल 2022 से 22 जुलाई 2023 तक भिलाई के निवासी ज्ञान प्रकाश साहू और देव कृष्णा साहू द्वारा रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में बलपूर्वक 8,67,680 रुपए की धोखाधड़ी की। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त दोनों आरोपियों द्वारा अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की गई है, जिसकी कुल कीमत 1,17,05,365 से ज्यादा बताया गया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने 21 नवंबर को दूसरे आरोपी ज्ञान प्रकाश साहू निवासी भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस धोखाधड़ी के मामले में एक अन्य आरोपी देव कृष्ण साहू को 10 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कुछ समय पूर्व थाना सिटी कोतवाली धमतरी में एक अपराध दर्ज किया गया था। प्रार्थी उमेश पटेल ने यह अपराध दर्ज कराया था कि रोबोट एफएक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बिटकॉइन में इन्वेस्ट के नाम पर उनसे ठगी की गई है, जिसमें पहले हमने एक आरोपी देवकृष्ण साहू को गिरफ्तार किया था, अभी एक दूसरा आरोपी हमने ज्ञान प्रकाश साहू को गिरफ्तार किया है। अभी आगे इसमें जांच जारी है। अभी जो हमारे समक्ष जो आए हैं, अभी लगभग 3 से 4 लोग आ चुके हैं। इसके अलावा भी अभी संख्या बढ़ सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन में है।